नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल बाबू इलेक्ट्रिक 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपके लिए कौन सी कंपनी का कूलर बेस्ट रहेगा, मिनी कूलर, डेजर्ट कूलर, कैतान कूलर, प्लास्टिक वाला या लोहे वाला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारी चीज़ बताने वाला हूँ और कूलर की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है और जो भी मित्र हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं, YouTube चैनल से जुड़ने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यह भी बताने वाला हूँ उसकी प्राइस कितने हैं, कैसे आप परचेज करें, अनबॉक्सिंग फीचर और उसकी प्राइस क्या है और उसके फीचर वगैरह सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दो कूलर रखे हुए हैं, मिनी कूलर और एडजस्ट कूलर, जो बड़ा वाला कूलर आता है। तो दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा होगा, ASM कंपनी का है और कुछ प्रकार से इसकी जो बाहर से बॉडी है वो काफ़ी मजबूत दिख रही है। तो दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दो इसके रेगुलेटर हैं जो आगे, और मिनी कूलर में एक रेगुलेटर है और एक है पंप को चालू करने का स्विच, और जिसमें आपको साइड में से दिखा देता हूँ जो घास है, घास की क्या क्वालिटी है। जैसा आप देख सकते हो, नॉर्मल घास रहता है और आपको जो घास दिख रहा होगा ये कम से कम 10 साल से पहले तो ख़राब नहीं होता है। हाँ दोस्तों, ये बढ़िया मजबूत जो आता है और इसमें कोई गंदगी वगैरह नहीं आती है और ठंडी हवा भी ज़्यादा देता है। पीछे से कुछ प्रकार से इसकी खिड़कियां हैं और नीचे बॉडी कुछ प्रकार से है और पेच वगैरह आपको दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसे कूलरों को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, अमेजन फ्लिपकार्ट पे आसानी से घर बैठे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्राइस बताने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ प्रकार से आपको लाइव दिखा रहा हूँ जो कूलर रखे हुए हैं। तो कुछ प्रकार से इसकी बॉडी है वो मजबूत है, काफ़ी मजबूत है और गारंटी वारंटी अंदर से मैं खोल के आपको बता रहा हूँ। ये नली है, नली जो अंदर से नली आती हैं और LT आती हैं और मोटर कुछ प्रकार से एडजस्ट की है, आपको दिख रहा हो कुछ प्रकार से, और नीचे आपको पानी की मोटर है, उसकी गारंटी आती है 1 सीज़न की, और 1 सीज़न में ख़राब हो जाती है तो आपको नहीं मिल जाएगी। और कुछ प्रकार से अंदर से कलर वगैरह जो हो रहा है सिल्वर कलर, और पंखड़ी भी एडजस्ट की है, और ये कुछ प्रकार से टांटिया है और बीच में आपको छेद दिख रहे होंगे ऊपर की तरफ है, वो पानी ले जाने के लिए, जो पानी पानी गिरता है उस उन छेदों के माध्यम से टाटी में जाता है। और कुछ प्रकार से आगे से दोनों रेगुलेटर कुछ प्रकार से ASM कंपनी का है। ये रेगुलेटर है, एक तो पंप का है जो सबरसेल पंप होता है, और एक है जो मोटर का है जो फैन मोटर होता है उसके लिए है। और कुछ प्रकार से इसकी आगे के जो ग्रिल होता है वो भी शानदार है, और ASM एयर कूलर बेस्ट क्वालिटी। और इसकी मैं बता दूँ आपको, मोटर की 1 साल की गारंटी आती है और जो अंदर की जो पानी की मोटर है उसकी 1 सीज़न की वारंटी आती है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा हो कुछ प्रकार से एडजस्ट की मोटर है, आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो अमेजन फ्लिपकार्ट पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।